दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इस जीवन में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब ये होगा कि पैसा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। पैसा है तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, जो मर्जी चाहे खरीद लो। कुछ बोलेंगे कि पद प्रतिष्ठा ज्यादा जरूरी है, कुछ कहेंगे कि परिवार ज्यादा जरूरी है, कुछ तो ये तक बोल सकते हैं कि अच्छी बॉडी होना, सुंदर होना, ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन दोस्तों, मेरा अपना ये मानना है कि इन चारों से भी ज्यादा जरूरी चीज कुछ और है, और वो है हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य। वैसे पैसा, पद प्रतिष्ठा, ये सब भी जरूरी चीजें हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है। यदि आपके पास अच्छी सेहत ही नहीं है, तो आपके पास कितना ही अच्छा परिवार क्यों ना हो, कितना ही पैसा क्यों ना हो, आप कितने ही अच्छे पद पर क्यों ना हो, आप किसी भी चीज का आनंद ही नहीं ले पाओगे। और इसीलिए स्वास्थ्य को धन कहा जाता है। पैसे से आप बहुत कुछ खरीद तो सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छी सेहत ही नहीं है, तो आप उन चीजों का आनंद नहीं ले पाओगे जो आपने खरीदा है। जीवन में सफल होने के लिए भी अच्छी सेहत का होना बहुत जरूरी है। जब सेहत अच्छी नहीं होती तो कुछ काम नहीं किया जाता, किसी काम में मन भी नहीं लगता, बस इंसान अपनी बीमारी के बारे में ही सोचता रहता है। साथ ही बुरा वक्त और खराब सेहत हमें अपनों और परायों का भेद भी बताता है। बीमारी के समय जिसे हम निकम्मा और बेकार समझते हैं, कई बार वही काम आते हैं, और जिससे बड़ी उम्मीदें लगाते हैं वो पूछते भी नहीं। जिन बेटों को बुढ़ापे का सहारा बताते हैं, उनका भी असली रूप देखने को मिलता है। पैसे की तुलना यदि सेहत से करूं, तो ये कहा जा सकता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनकी बीमारियां लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी ठीक नहीं होती, और ऐसे भी लोग हैं जो बीमार हैं, उनके पास इतना धन भी नहीं है, लेकिन इलाज उनका भी होना है। इसलिए पैसा ही जीवन में सब कुछ है, ये सोचना भी गलत है। लेकिन हाँ, जीवन की गाड़ी चलाने के लिए पैसा होना भी जरूरी है। पैसा जीवन को आसान बना देता है, लेकिन पैसे को ही अपना लक्ष्य बना लेना बुद्धिमानी नहीं है। बहुत अधिक पैसा कमाने की चाहत में लोग अपनी सेहत पे भी ध्यान नहीं देते, बस पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं। सिर्फ अमीर दिखने के लिए दूसरों की देखा देखी करते हैं, नकल करते हैं, जितनी कमाई भी नहीं है उससे भी अधिक खर्च करने लगते हैं। अचानक कोई बड़ी बीमारी आने पर पैसा पानी की तरह बह जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि शरीर व्याधि मंदिर, शरीर व्याधियों का घर है। बीमारी और मृत्यु कभी बता कर नहीं आती। बीमारी तो एक ऐसी चीज है जो करोड़पति को रोड़पति बना सकती है, महल से झोपड़ी में ला सकती है। इंसान अपने जीवन में जो कमाता है, पहले उसे अपने भोग विलास में लगाता है, भोग करने वालों के साथ साथ रोग चलता है, बाद में जो पैसा बचता है उसे अपने रोगों को ठीक करने में लगाता है। बीमारी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बताने से आए, हम इसे भाग या छुप भी नहीं सकते, इसे तो बस स्वीकारा जा सकता है। किसी भी बीमारी से डर कर उसका अंत कभी नहीं किया जा सकता। मानव शरीर में इतनी शक्ति है कि वो अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकता है, यदि दृढ़ इच्छा शक्ति है तो। आप ये सोचते होंगे कि एक बीमार व्यक्ति कर ही क्या सकता है, लेकिन एक बीमार आदमी भी बिस्तर में पड़े पड़े अच्छा सोच सकता है, जिंदा होने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे सकता है, उसके आसपास में जो लोग उसकी सेवा कर रहे हैं उनको धन्यवाद दे सकता है। उसकी बीमारी में उसके पास इतने लोग हैं, उसका परिवार है, इस बात को सोचकर खुश हो सकता है। इच्छा शक्ति की ताकत से बीमारी को जल्दी ठीक किया जा सकता है। बीमारी होने की स्थिति में भी यदि ये सोचा जाए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं अब पहले से बहुत बेहतर हो चुका हूँ, बार बार और रोज ऐसा करते रहने से हमारा शरीर इस संदेश को ग्रहण करने लगता है और धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है।
जब हम बीमारी में ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों करते हैं, औरों को तो कुछ नहीं होता, मुझे ही सारी बीमारियां लग गई हैं, बार बार ऐसा सोचने और ऐसे विचार मन में रखने से हमारा शरीर इन संदेशों को ग्रहण करता है और वैसा ही बनता चला जाता है, जिससे कि बीमार आदमी की स्थिति में कोई सुधार ही नहीं आता। शायद आप ऐसा सोचते होंगे कि ये बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, पर मैंने ये प्रयोग खुद पर बहुत बार किया है और मुझे इसके बेहतरीन परिणाम मिले हैं। ध्यान की शक्ति से मैंने अपने शरीर में हो रही दर्दों को गायब होते देखा है। सकारात्मक सोच हमें हर तरह के दुखों से बहुत ऊपर उठा देती है और यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं, आप आशावादी हैं, तो आपका स्वास्थ्य, जो कि आपका सबसे बड़ा धन है, हमेशा अच्छा रहेगा। और यदि कभी खराब हो भी जाए तो आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप उसे स्वयं ठीक कर सकते हो। डॉक्टर तो सिर्फ दवाई देते हैं, लेकिन हमें ठीक हमारा दिमाग करता है। आइए अब आज की वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो आज की वीडियो से हमने ये सीखा कि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ शरीर में ईश्वर का वास होता है। जब बात पैसे और संतोष में से किसी एक को चुनने की आए, तो हमेशा संतोष को ही चुनिए, क्योंकि पैसा तो हर कोई अपने स्तर पर कमा ही रहा है, लेकिन ये बात भी सच है कि अधिक पैसा इंसान में घमंड, लालच, ईर्ष्या, घृणा और मोह पैदा कर देता है। लेकिन जिस इंसान के पास संतोष है, वो पैसा तो कमाता ही है, लेकिन उसके पास आत्मिक शांति है, उसका मन शांत है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसा कभी हमें खुशी खरीद कर नहीं दे सकता, संतोष नहीं दे सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।